दोस्तों सालार मूवी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है। सालार्स रिलीज हैज बीन पोस्टपोन्ड। जी हाँ, सालार की रिलीज पोस्टपोन्ड हो गई है और मेकर्स की तरफ से इस बात की पुष्टि भी कर दी गई है। इस बारे में डिटेल में बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आप चैनल पे नए हो और अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी ऑन कर लो। साउथ सुपरस्टार प्रभास, पृथ्वीराज सुकुमारन, मीनाक्षी चतुर्वेदी, श्रुति हसन स्टारर सालार 28 सितंबर रिलीज होने वाली थी, जो पोस्टपोन्ड होकर नवंबर में रिलीज होगी, जो कि प्रभास की फैंस के लिए एक सेटबैक है। अब उनका इंतजार और लंबा हो गया है, क्योंकि इस साल की मच अवेटेड फिल्मों में से सालार भी है। इस फिल्म से प्रभास और उनकी फैंस की काफी उम्मीदें जुड़ी हुई है, क्योंकि ये एक मल्टीलिंगुअल पैन इंडिया रिलीज होने वाली फिल्म है। क्योंकि इससे पहले उनकी दो फिल्में राधेश्याम और आदि पुरुष बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप रही थी, तो जाहिर है इस फिल्म से उनको काफी उम्मीदें हैं। हालांकि इस देरी का असली कारण क्या है वो अभी तक क्लियर नहीं है। मीडिया खबरों की माने तो मेकर्स का कहना है अभी तक पोस्ट प्रोडक्शन का काम खत्म नहीं हुआ है, जो किसी की भी समझ से बाहर है। क्योंकि पोस्ट प्रोडक्शन के काम खत्म किए बगैर रिलीज डेट कैसे अनाउंस की जा सकती है, और साथ ही साथ प्रीमियर शो के टिकट कैसे बेचा जा सकता है। हालांकि प्रीमियर शो के टिकट का पैसा वापस कर दिया गया है, लेकिन मीडिया में इस बात की चर्चा चल रही है, जवान की सक्सेस देखकर बॉक्स ऑफिस क्लैश को अवॉइड करने के लिए ये डिसीजन लिया गया है। कारण जो भी ये तय है, फिल्म अब नवंबर में रिलीज होगी, लेकिन डेट अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। आपका इस बारे में क्या मानना है? पोस्ट प्रोडक्शन के काम खत्म ना होना ही क्या इसका असली कारण है, या फिर जवान का जलवा जिस तरह से बॉक्स ऑफिस पर जारी है उसको देखते हुए कोई भी आमने सामने के टक्कर में जाना नहीं चाहेगा, यही कारण है? जो भी है आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।